हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो 1 जुलाई को मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, बिकॉज आई वाज ऑन रेस्ट, आई वाज ऑन ऑफ। एंड आज 2 जुलाई है। आज से हम अपना नेक्स्ट सीरीज ऑफ वर्कआउट करेंगे। पहली हमारी 30 डे सीरीज एंड हो चुकी है, कंग्रेचुलेशंस। ओके, एंड नाउ हमारे पास अब ये सेकेंड मंथ है, जुलाई मंथ है, एंड आफ्टर दैट मेनी मोर मंथ्स टू कम। ओके, सो गाइस, हम यहाँ पे जैसे लास्ट मंथ में किस तरीके से फॉलो किया था कि हम हर मंडे नई एक्सरसाइज लेकर आते थे एंड उसको हम हर वीक फॉलो करते थे। पैटर्न मैं ऑलमोस्ट सेम रखूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज इट इज इफेक्टिव फॉर मी और ये काम कर रहा है, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज होगी, पहले हम या तो सिर्फ ओ शिट लाइट ही चली गई, ओके गाइस, सो लाइट चली गई है। यही होता है कि जब वर्कआउट करने लगो तो लाइट चली जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि हम लोग जो एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे, पिछले महीने हमने क्या किया था कि हम पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करते थे, मतलब टोटल 7 एक्सरसाइजेस होती थी, वो 1 वीक तक चलती थी। अब यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करेंगे इस मंथ। तो इस 3 टाइप्स ऑफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट में आपका होगा कार्डियो, फिर होगी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड देन हम योगा भी करेंगे। तो हम 3 तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे एंड वो हर वीक चेंज होगा। एक एक्सरसाइज पूरे वीक चलेगी एंड फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हर मंडे आएगी। माना आज ट्यूजडे है, लेकिन एज कल मेरा ऑफ था, कल मैं ऑफ पे थी, तो हम आज से नेक्स्ट आने वाले संडे तक ये सेम एक्सरसाइज फॉलो करेंगे जो मैं अभी कर रही हूं, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। बट वो रहेगा ऐसे ही कि कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा। ओके गाइस, एंड जो मैं एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ वो एक इंटरमीडिएट एक्सरसाइज है। अगर आप बिगनर्स हैं तो उसका स्लो प्रोसेस करें, ना कि हाई प्रोसेस करें। ओके, तो थोड़ी देर वेट करते हैं लाइट का, लाइट आ जाएगी तब स्टार्ट करेंगे। ओके ओके गाइस, सो लाइट का तो पता नहीं है कि लाइट आएगी कब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। प्लीज कंफर्म अगर मेरी आवाज आ रही है तो। लेट मी सेट दिस कैमरा सो दैट वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, इट्स विजिबल। ओके, जस्ट वेट। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे पहले होगा कार्डियो। पहले हम अपना कार्डियो फिनिश करेंगे, फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे एंड फिर हम करेंगे योगा। तो 3 टाइप्स हमारी एक्सरसाइज है, 3 टाइप की, और उसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं एक्सरसाइज की, वो मैं आपको दिखाऊंगी और आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगेन आई एम रिइटरेटिंग, इट इज फॉर फ्री, नो ज्वाइनिंग फीस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बस आप आओ, अपनी क्लासेस लो और अपने आप को फिट करो। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्डियो, जिसमें हम करेंगे फर्स्ट जंपिंग जैक्स, देन जंपिंग, एंड देन हाई नीज, एंड देन टो टच बेंड। बस ये 4 हमारे कार्डियो होंगे जो हम करेंगे, एंड सारे ही हम ये 30 के काउंट्स पे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन 1, 2 and 3 go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके,
वन जंपिंग जैक्स कंप्लीटेड, नाउ वी विल डू जंपिंग, वो भी हमारी 30 होगी. टेक 5 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट. ओके लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके गुड जॉब, लाइट आ गई है. लेट मी स्विच टू द इलेक्ट्रिसिटी. ओके सो अब हम करेंगे हाई नीज. ओके हाई नीज भी हमारे 30 होंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. हाय देविका शर्मा, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूंगी, देन आई लेट यू नो कि क्या इश्यू है. ओके अब हमारा लास्ट कार्डियो रहता है, वो है टो टच बेंड. स्ट्रेट खड़े हो जाइए. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग देविका. सो दिस इज द पोजिशन. ओके हैंड्स विल बी स्ट्रेट. अब आपको टो टच करने हैं, इधर फ्रॉम योर पाम, इधर फ्रॉम योर फिंगर्स, इधर आप पूरे बिल्कुल अच्छे से बेंड हो सकते हो. ठीक है, इन 1, 2, 3 गो. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Cardio is done. Sorry guys, I can't accept the request. ओके गाइस, तो अब हमने कार्डियो अपना फिनिश कर लिया है. अब हम लोग करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. इसमें हमारे पास टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, जो कि हमारी 10x3 के रेपिटेशन पे होंगी, ब्रेक लेके. लाइक एवरी 10 राउंड्स आप 5 to 10 सेकंड का वेट लेंगे, मतलब वेट करेंगे या फिर रेस्ट लेंगे.
ठीक है, तो जिसमें होगा हमारा डंबल स्क्वाट्स, फिर ऑफसेट डेडलिफ्ट, फिर सिंगल आर्म शोल्डर प्रेस, फिर सिंगल आर्म रो एंड देन स्कल क्रशर। ओके, ओके गाइस, आई गॉट अ कॉल, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेट मी सेट माई कैमरा। हेलो आर्निवल, वॉट इज योर नेम? इज इट विशु? आई डोंट गेट योर नेम, प्लीज टेल मी योर नेम आर्निवल। ओके, तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे डंबल स्क्वाट्स। ओके, मैंने 10 kg का डंबल लिया है, दिस विल बी द पोजीशन। ओके स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, टेक रेस्ट। टोटल 3 सेट करने हैं डंबल स्क्वाट्स के। आई कांट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, डोंट सेंड रिक्वेस्ट कलारिया। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सेट। ग्रैब योर डंबल, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। One more set. Take rest. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द लास्ट रेपिटेशन फॉर डंबल सेट, डंबल स्क्वाट्स। दिस इज द पोजीशन, होल्ड योर डंबल, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Nice job. Okay, now we have offset deadlift. Just relax.
ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड एक्सरसाइज, ऑफसेट डेडलिफ्ट। इसमें आपके जो नीज हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, आपके हिप्स बाहर होंगे, आपकी बैक स्ट्रेट होगी एंड आपका वन हैंड अप होगा। ओके, स्लोली थोड़े से वाइडर होंगे आपके लेग। ओके, नाउ गो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, नाउ फ्रॉम दिस हैंड स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लेट्स वेट टू मोर राउंड्स। Okay, let's start the second round. Hold your dumbbell, hand straight, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Next hand, like this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, two rounds completed. Last one. Okay, let's start the last round for the offside deadlift. Hand straight, start. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Next hand. Start. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Nice job. Two exercises completed. Three more for the strength training. Now we have the single आर्म शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज खड़े होकर होगी, स्ट्रेट खड़े रहना है। टेक रेस्ट, स्वेटिंग। Okay.
यहाँ पे हमें सिंगल आर्म शोल्डर प्रेस है, बट हम ये करेंगे दोनों हैंड दोनों आर्म से, तो हम यहाँ पर सिंगल ना करके इसको डबल आर्म करेंगे। ओके 10 × 3 रेपिटेशन। ओके दिस इज द पोजिशन। इस पोजिशन में आप वापस आएंगे एंड ऊपर जाएंगे लाइक दिस ओनली 10 × 3। ओके गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गुड जॉब। टू मोर, जस्ट रिलैक्स। ओके रिलैक्सेशन डन। नाउ द सेकेंड रेपिटेशन फॉर द शोल्डर आर्म प्रेस। टेक योर पोजिशन लाइक दिस। लेट मी शो यू लाइक दिस एज वेल इन 1, 2 एंड 3। गो 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Nice job. We have the last repetition. Just wait. ये जो एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ ये बहुत इफेक्टिव, ये एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव है कि आप इसे रेगुलर करोगे ना तो आई मेक यू श्योर कि 2 to 3 kg विद कंप्लीट डाइट एंड 45 मिनट्स ऑफ वॉक एंड दिस एंटायर एक्सरसाइज आपको 2 to 3 kg पर मंथ रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। ओके सो अगर आपको 20 kg लूज करना है फैट, तो आप सोच के चलिए अपना रेशियो के आपको 2 kg पर मंथ करना है तो इस हिसाब से आपको 10 मंथ्स लगेंगे 20 kg कम करने में। तो यही एक गुड प्रोसेस है वेट लूज और फैट लूज करने का। ओके लेट्स स्टार्ट दी सिंगल आर्म प्रेस, सॉरी आर्म प्रेस हम डंबल से कर रहे हैं सो 10 रहते हैं हमारे। लेट्स टेक योर पोजीशन दिस वन इन 1, 2 एंड 3 गो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर 10। गुड जॉब। 3 एक्सरसाइजेस डन, 2 मोर लेफ्ट। रो ओके ये हमारी किस पोजीशन पे, ये हमारी किस पोजीशन पे होगी? आपका राइट लेग बाहर रहेगा लाइक दिस। ओके हल्की सी लंज पोजीशन पे एंड लेफ्ट लेग आपका हल्का सा बेंड रहेगा लाइक दिस। ओके जो लेग बैक है उस हैंड में आपका सिमिलर हैंड में आपका डंबल होगा एंड आपको डंबल लेने के बाद इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ओके मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, लेग 90 डिग्री के एंगल पे हो। ओके आप चाहो
तो नी पे हाथ रख सकते हो, आप चाहो अगर आसपास वॉल है तो आप उसको पकड़ सकते हो, आप चाहो तो बैक पे रख सकते हो, एज कंफर्टेबल एज यू आर, ओके, जैसा आपको अच्छा लगे, बस आपको अपनी सपोर्ट में रहना है। 10 into 3, सो एक्चुअली ये हमारे 10 into 3 है, बट हम इसको 10 into 4 करेंगे, 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम राइट, ठीक है, सो 2 2 रेपिटेशन हो जाएंगे हमारी। ओके, दिस इज द पोजीशन, लाइक दिस, लेग आपका 90 डिग्री पे, बैक स्ट्रेट लाइक दिस, अप स्लाइटली बेंड 90 डिग्री लाइक दिस, ओके, लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, नाउ नेक्स्ट लेग लाइक दिस, ये पोजीशन होगी स्ट्रेट, ये 90 डिग्री पे स्ट्रेट, नाउ दिस स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड जॉब, 2 more रेपिटेशंस, 1 from this 1 from this, लेट्स रिलैक्स, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट, राइट लेग फॉरवर्ड 90 डिग्री, बैक, देन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, लास्ट राउंड from left leg like this, start, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nice job, we have the last exercise, then we will do the yoga, okay, so ab hamari jo exercise hai wo hai skull क्रशर, किसी का आप सर फोड़ते हो ना उस तरीके से, लेकिन लेट के, ओके, लेट मी सेट दिस कैमरा, दिस इज द पोजीशन, ओके, इसके लिए हमें दूसरा डंबल चाहिएगा, ओके गाइस, सो पोजीशन ले लेंगे हम अपनी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सो मेरे पास जो ये वेट है वो है 7.5 kg का, 7.5 किलो का, ठीक है, अब हम इससे करेंगे स्कल क्रशर, जो कि हमारे होंगे 10 into 3 रेपिटेशन पे, लेग्स की हमारी एक ही पोजीशन रहेगी, जिस पोजीशन में मैं अभी आपको बताऊंगी, आपकी हैंड्स की, लेट्स ले डाउन टुगेदर, ओके, अपने आपको पहले कंफर्टेबल कर लीजिए प्रॉपर, ओके, जस्ट बी कंफर्टेबल, ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, आपके जो दोनों लेग हैं वो आपको इस 90 डिग्री पोजीशन पे लेके जाने हैं, लाइक दिस, जैसे लेग रेज करते हैं उस पोजीशन पे आपको ये लेग्स लेके जाने हैं, एंड आपके लेग्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, आपके लेग्स नहीं चेंज होंगे, ओके, और फिर हम डंबल से स्कल को क्रश करेंगे, आपकी एल्बोज लाइक दिस रहेगी, ठीक है,
एंड आपका जो सिर्फ एल्बो से ऊपर का एरिया है, आई मीन पाम से लेके एल्बो तक का एरिया, वो आपका अप डाउन होगा लाइक दिस. ठीक है, आपको प्रॉपर नीचे नहीं लेके जाना, समझ आया? लाइक दिस एंड दिस, दिस विल बी द स्कल क्रशर. ओके, सो वी डोंट वेस्ट द टाइम, शैल वी स्टार्ट? यस. ओके, दिस इज द पोजिशन. लेग की पोजिशन आपको मैंने बताई है 90 डिग्री लेग रेस पे. एंड जब भी आप इस तरीके की पोजिशन में लेटो, मेक श्योर आपकी बैक के नीचे गैप हो. जैसे कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया है, आपकी बैक जो है वो कंप्लीटली जमीन से लगी हुई नहीं होनी चाहिए. ओके, मतलब स्टमक के पीछे का जो एरिया होता है, बाकी आपके जो शोल्डर का एरिया है वो आपके जमीन पर ही रहेगा. ठीक है, लाइक दिस 90 डिग्री. ओके, नाउ लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाइस जॉब, रिलैक्स, 10 सेकेंड का रेस्ट. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट लेग्स पोजीशन. अब थोड़ा सा और डाउन ले जाने की कोशिश करेंगे अपने हाथ को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, लास्ट रेपिटेशन एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, फिर हम योगा करेंगे. ओके, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हमारे इस सेशन को हो चुके हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, लेग पोजिशन इन 1, 2 एंड 3, गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice job. Relax. Okay. So अब हम करेंगे अपनी योगा. हम योगा में जो कवर करेंगे, स्पाइन लेग करेंगे, लेग स्ट्रेचिंग भी करेंगे, बटरफ्लाई स्ट्रेच करेंगे, माउंटेन पोज करेंगे, पिजन पोज करेंगे एंड चाइल्ड पोज करके खत्म करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम स्पाइन लेग करेंगे. ओके, सो इस पोजीशन को आपको किस तरीके से करना है, जो लेग आपका अंदर की साइड होगा. ओके, वन सेकेंड, लेट मी सेट दिस फर्स्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो दिस इज द पोजीशन. मेक श्योर आपके आसपास का एरिया क्लीन हो, क्लियर हो, ताकि आपको कोई ऑब्स्टेकल्स ना दिखे. ओके, सो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट आप इस रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाइए. अब मैं आपको पोजीशन बताती हूँ. सबसे पहले बैक आपकी स्ट्रेट होगी. ओके, मेक श्योर आपकी बैक इतने इस तरीके से स्लाउच ना हो, बैक आपकी स्ट्रेट होगी. सबसे पहले आप एक लेग को डाउन करेंगे लाइक दिस, और फिर दूसरे लेग को ऊपर नहीं रखना, इसको इधर रखना है. ठीक है, बाहर की साइड. अब जो लेग अंदर है,
हमारा मेरा इस टाइम पे राइट लेग अंदर है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने हैंड्स को अप करना है, ओके। एंड जो लेग मेरा अंदर है उधर की साइड मुझे अपने आप को झुकाना है लाइक दिस, ओके, इस तरीके से। लेकिन ये हम किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारी ये पोजीशन है लाइक दिस, तो इसमें हम अपने आप को पहले हम अपनी बैक स्ट्रेट करेंगे, फिर हमें अपने आप को पहले आगे लेके जाना है लाइक दिस। ये पोजीशन है, बैक मेक श्योर आपकी स्ट्रेट हो, एंड इसको करते करते आपको अपने आप को साइड में लेके जाना है इस पोजीशन पे, ओके, यहाँ पे। अब आपको अपनी चेस्ट को अपने नीज से लगाना है, मेक श्योर जितना आप ज्यादा कर सकते हो अपने आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच देने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर दर्द हो तो आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। देन कम अप, फिर वापस से उसी पोजीशन पे, एंड कम बैक एंड स्ट्रेट, ओके। इसी तरीके से हम सेकंड करेंगे। लेग चेंज करना जरूरी है, ओके, दिस इज द पोजीशन। नाउ हैंड्स अप लाइक दिस, डाउन, मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, डाउन डाउन। अब आप अपने लेफ्ट में लेके जाइए, मतलब जो भी आपका लेग अंदर है उस तरफ, ओके, स्ट्रेच स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल। ओके, कम बैक, ओके। अब यहां पे हमें इसी पोजीशन में रहते हुए अपना लेफ्ट लेग अपने राइट नी पे लेके जाएंगे एंड बैक की तरफ स्ट्रेच करेंगे ऐसे ही, अपना राइट लेग अपने लेफ्ट लेग पे, राइट हैंड अपने लेफ्ट लेग पे, और लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ओके, ये हमारी एक स्ट्रेचिंग हो गई है। अब हम करेंगे लेग स्ट्रेचिंग। वो किस तरीके से करेंगे, जितने आपके लेग वाइडर खुलें उतना आपको खोलना है, जैसे कि ये पोजीशन है, ओके, जितने ज्यादा आप खोल पाए उतने ज्यादा की कोशिश करनी है, ओके। बैक स्ट्रेट, मेक श्योर आपकी बैक और शोल्डर स्ट्रेच हो और स्ट्रेट हो, ठीक है। अब आपको अपने हैंड्स को जोड़ना है इस पोजीशन पे, ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन पे अपने आप को आगे लेके जाना है एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल लाइक दिस, एंड लुक फॉरवर्ड, कम बैक, ओके, दिस इज द लेग स्ट्रेचिंग। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई पोजीशन पे मेक श्योर आप अपने हिप्स पे बैठे हो लाइक दिस, ओके। अब यहां पर भी आपको अपनी एल्बोज को, पहले अपने टोज को अपने हैंड से पकड़िए एंड लाइक दिस, बैक स्ट्रेट लाइक दिस, स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, ओके, कम बैक। नाउ वी हैव द पिजन पोज, ओके। सो हम लोगों को पिजन पोज करना है इस पोजिशन पे, ये है, एंड ये वाला जो लेग होगा वो स्ट्रेट आएगा एंड दिस वे लाइक दिस एंड स्टार्ट। स्ट्रेच योर सेल्फ, स्ट्रेच स्ट्रेच, ओके, रिलैक्स। नाउ सेकेंड लेग से पोजिशन करेंगे यही सेम पिजन पोजिशन। लेफ्ट लेग आपका, सॉरी राइट लेग आपका बैक जाएगा एंड दिस साइड, मेक श्योर आप अपने हिप्स पे ना बैठे हो, ओके,
दिस इज द पोजिशन. नाउ स्टार्ट स्ट्रेच स्ट्रेच, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है अपने पैरों को. स्ट्रेच स्ट्रेच रिलैक्स. ओके नाउ हम माउंटेन पोज करेंगे, फिर हम डायरेक्ट चाइल्ड पोज करेंगे. ओके टेक योर पोजिशन लाइक दिस लाइक दिस. स्ट्रेच, अपना राइट लेग अप लेके जाएंगे और अपने आप को जितना पॉसिबल हो नीचे लेकर जाएंगे. आपकी जो चेस्ट है उसको जमीन से लगाने की कोशिश करनी है. अब नेक्स्ट लेग से करेंगे. अब इसी पोजीशन पे आते आते चाइल्ड पोजीशन ले लेंगे लाइक दिस. Relax, calm down, just think what you have done, just think your body, just feel your breath, close your eyes, come back. Vajrasana position pe aa jaiye, eyes aapki close rahengi. Just rub your palms slightly. अपनी पाम्स को अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखें खोलनी है अपनी पाम्स को देखते हुए एक सुंदर स्माइल के साथ. ओके दिस वाज द सेशन गाइस एंड ये ऑलमोस्ट आपका 50 मिनट्स का सेशन रहा है, 45 टू 50 मिनट्स का, और ये हमारा संडे तक चलने वाला है. बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है बट इसके लिए कंसिस्टेंसी, प्रॉपर डाइटिंग एंड वॉक की जरूरत है. आई मेक यू श्योर कि आपका वेट बहुत इजिली लूज हो जाएगा. ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड कुछ भी एडवाइस आपको चाहिए हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मेरे यहाँ पर कोई फीस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एडवाइस देती हूँ. जो आपको करना है वो आपके ऊपर है. ओके मैं जितना पॉसिबल है मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता सकती हूँ कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, बट करना ना करना आपके हाथ में है. ओके मेरी कोई फीस नहीं है, बस मेरे चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए. ठीक है सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ, तो आप जो लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते लाइक योर ओल्ड वंस, तो आप उनको ये वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हो बिकॉज यूट्यूब मोस्टली लोग यूज करते हैं. तो यूट्यूब पे आप उनको थोड़ा सा इंकरेज कर सकते हो कि आप इन वीडियोज को देखकर आगे अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू कीजिए. ओके थैंक यू सो मच गाइस.